तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तीन संभावना में। तो क्या कर रहे हैं भाई आज? भाई आज करने वाले हैं सीधे मौत की तरफ से आवागाना नल्ला फ्री स्टाइल। क्या SM? ओ SM बेबी भाई, नॉटी हो रहे हैं भाई। तो भाई कौन सा है नल्ला? अच्छा, मैंने सुना तो नहीं इसको। वैसे विजुलाइजर है ना ये? आपने नहीं सुना? नहीं सुना भाई। भाई थोड़े बहुत हेट इधर दे दो यार। तो भाई मैं तो सोचा था रिएक्शन देंगे ना साथ में। अच्छा, ये देखने भाई बात घुमा दी। चलो भाई गाना सुनते हैं ना, चलो भाई शुरू देखते हैं करते क्या हैं। सीन है। ओ डीजे ऐसे इतना रो लिया, अब गाने सुन के रोना भी नहीं आता। फक चुप होना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी मिली जिसे मैं खोना भी नहीं चाहता। थोड़ी कटी थी भेजी की तो वो सोना भी नहीं चाहता। मेरी खड़ी थी ऐसी कि मैंने सोचा भी नहीं ज्यादा, ले ली पहनी तो पता चला कि वक्त ने बिगाड़ा। मुझे पैसे से पहले से चिड़ा उसी ने उजाड़ा घर, तभी तो छपू मैं तेरे पापा से भी ज्यादा। ये मरे जाए डूम थ्री है नोक नुकीली त्रिशूल की, जिस दिन मैं बैठ जाता लिखने बस उसी दिन आती है नींद सुकून की। मैं कभी कभी हंसते हुए मार दूं चांटा, चौकियों में पहले ही कहा रैप के मैं टेकन जिनका जामा। कभी कभी बच्चे दी में बीटों की होती हत्या सत्या। क्या डर गया घर जा नहीं पाया घर क्योंकि भूल गया घर क्या बना रहा है मजबूर सी शक्ल क्या। हेटरों ने साली मून दिया कल क्या करे पूरा सीन सीधे मौत की नकल। लाश टूटेगी जैन ला मेरे फ्लो का दे हफ्ता मैं कर रहा वसूली तू गिरवी रखे अपना पेन। देख अगर होता मैं ज्यादा कमीना तो कहता तुझे गिरवी रख अपनी मैम। जाने दे गंदे इरादों ख्यालों से रहता हूँ दूसरे रहने की कोशिश कर रहा साफ दिल पर उसका गंदा दिल दे मारा दो घंटे का सेट। बैंगलोर में करे तीन गाने बैक टू बैक माइनस वन पे और फेफड़े चेक टूटेंगे खून और मूटेंगे पेन। ये है पूरी पूरी डिसरिस्पेक्ट और ईगो चेक फ्लो बार्स क्लास की लाइफ सो स्टे के पे तेरे सारे बॉक्सेस पे है कर पे टिक था मेरा लंड और इस पे माथा टेक मैं असा लेके चले एके। भाई यार क्या ये क्या लिखते हैं यार ये लोग। भाई ये लोग बिल्कुल ही डरते हैं भाई। नो हेजिटेशन नो हेजिटेशन मतलब भाई तू मेरे आके एल पे बज तू मेरे एल पे माथा टेक। वो उसने एक बार था ना पीछे कि भाई तू अपनी कलम गिरवी रख तेरी मैम गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, वो वाला बार बहुत तगड़ा था यार भाई। और एक वाला बार कि कभी कभी बच्चों दी में बीटों की हत्या भाई, भाई ये लोग लिखाई पे और फ्लो पे बहुत फोकस करते हैं यार ये लोग। अंकल क्या भाई क्या क्या कहते हैं भाई कभी कभी बकचोदी में बीटों की हत्या और जो बीच बीच में गाने में बकचोदी करते रहे बोल रहा है कि ओ भाई क्रिंज हो गया। ओ भाई क्रिंज हो गया भाई तगड़ा भाई तगड़ा। सही यार सही चीज है भाई। तेरे सारे बॉक्सेस पे है कर पे टिक था मेरा लंड और इस पे माथा टेक मैं असा लेके चले एके। देखे सपेरे सपोले सवेरे अंधेरे बतेरे भयानक तो आमत खुजामत यहाँ हम खाते हैं लोड़े वहाँ पक्का मत। काम बोले ले तो मैं लाऊं कयामत काम बोले खा जा तो नहीं कोई सलामत बार फोर बार रखे ना अपने ताकत लेता नहीं कुछ सात साल अपने जा तेरा बाप सीधे मौत तेरा बाप सीधे मौत तेरा भाई सीधे मौत तेरा बाप सीधे मौत। अरे भाई SOS के डिस के बाद तो बोलना ही था। नहीं ये नल्ला फ्रीस्टाइल तो बहुत पुराना है भाई। मजा आ गया भाई। कितने दिन पहले का होगा? नहीं भाई एक साथ दो गानों का नहीं है। नहीं है भाई कितने दो साल पहले का है? अच्छा मुझे लगा 12 दिन पहले का है भाई। 2 साल पुराना गाना है भाई। ओ भाई मुझे लगा मतलब फ्री स्टाइल में कैसे छूट गया मेरे से यार ये भाई। वही तो भाई आप मैं तभी तो बोलूँ आपने सुना नहीं क्या हो गया भाई। स्पॉटीफाई का प्रीमियम लेना पड़ेगा लगता है क्योंकि भैया जो गाने पहले सुनो ना तो लास्ट वाले गाने भेज देते हैं वो जो रेगुलरिटी वो बनती है ना सीरियल वाइज सीरीज वाइज वो नहीं बन पाती है। अच्छा तो इस वजह से छूट गया होगा। कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं होता है होता है।
तो भाई मजा आ गया भाई, मजा आया ना भाई, तगड़ा गाना था भाई। मैं तो भाई देखो मैं तो सुनता हूँ भाई, और ये इतना तगड़ा गाना है भाई, इसकी बार्स इतने बढ़िया बढ़िया फेंके हुए हैं भाई, बिल्कुल ही एकदम जो है ना कि फन फन वाइब होती है ना, उस तरह से ये लोग लिखते हैं भाई। भाई बिल्कुल ही यार, कत्ल करते हैं भाई, सीधा तलवार चलती है बस इनकी, तेरा बाप सीधा मौत, तेरा बाप सीधा मौत। सही लगा यार, तो बाकी यही था रिएक्शन। अगर रिएक्शन पसंद आता तो आप लोगों को मालूम है क्या करना है, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, और सीधे मौत को जाके सब्सक्राइब करो यार, प्यार दिखाओ सीधे मौत भाई, सबको प्यार दे भाई, फ्लो क्लियर है भाई वो तो। तो मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे गानों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हसल का मैदान मतलब जंग का पैगाम है, मैं चीखता संगीत की ये पहुंचे की नस्तक, दस्तक देने लगो इनकी ये मस्तक, कौन कहता सच्चा ये उसमें भी शक, जहां दिखे सच वही तीन संभावना।